ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजन में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम तीन भाग्यशाली राशियों का राशिफल बताने वाले हैं, जिनको नवंबर और दिसंबर में बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इनका हर कार्य मतलब सिद्ध होगा, इनको बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। और अगर आप इसके साथ एक उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो भी कार्य अटका हुआ है वो अवश्य ही पूरा होगा। आपको धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे, हर कार्य में सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इन तीन भाग्यशाली राशियों की जानकारी देने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, नवंबर और दिसंबर की ये तीन राशियां ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है, और इनके हर कार्य में मतलब सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। चाहे वो संतान हो, नौकरी हो, विवाह हो, हर कार्य में मतलब सफल होने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। और साथ ही अगर आप ये उपाय करते हैं तो यकीनन आपकी जो इच्छा है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है कि आप नित्य प्रति सूर्यदेव को अर्घ अवश्य दें, क्योंकि इन दो महीनों में सबसे ही श्रेष्ठ सूर्यदेव का माना जाता है। इस महीने में अगर आप सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो निश्चित ही आपको हर क्षेत्र में सफलता के योग बनते हैं। दूसरा उपाय है दोस्तों, आपको श्रीहरि विष्णु के आगे एक दीपक जलाना है। आप सुबह या शाम किसी भी समय पर जला सकते हैं, क्योंकि इस महीने में श्रीहरि विष्णु की पूजा का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। आप अपने घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी मंदिर में जाकर ये दीपदान अवश्य करें। देखना, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, क्योंकि श्रीहरि विष्णु संतान को पुत्र को देने वाले हैं। और गुरुवार के दिन तो आप जरूर श्रीहरि विष्णु के आगे मतलब दीपक जलाएं। साथ ही दोस्तों, इन तीन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि नवंबर और दिसंबर की सबसे लक्की राशि रहने वाली है। इस राशि के जातकों को बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की के साथ ही आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। आपके लिए ये दो महीने बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं, इनको संतान के बहुत अच्छे और प्रबल योग बने हुए हैं। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है मकर राशि। शनिदेव देखिए मकर राशि में होने से आपका भाग्य उदय होगा, आपको हर कार्य में सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि शनिदेव जब देना प्रारंभ करते हैं तो उस जातक को रंग से राजा बना देते हैं। आपको हर कार्य में सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों, अगली जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि में देखिए देवगुरु बृहस्पति हैं, स्वयं की राशि में होने से सबसे अधिक जो लाभ है वो मीन राशि के जातकों को मिलने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सबसे ही शुभ ग्रह माने जाते हैं और ये हर प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। चाहे वो संतान हो, विद्या हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों, ये तीन भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको नवंबर और दिसंबर में बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही जो हमने उपाय बताया है उसको अवश्य करें तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।